नमस्कार, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिक संस्थान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैं PMFME स्कीम योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि की ओर से सीताफल कुल्फी बनाने के प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीताफल एक फल का सामान्य नाम है और इसका वानस्पतिक नाम अनोना रेटिकुल्टा है। यह फल आकार में गोलाकार, दिल के आकार का, आयतकार या अनियमित होता है। किस्म के आधार पर सीताफल का आकार 7 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। पकने पर यह फल भूरे या पीले रंग का होता है, जिसमें लाल विशेषताएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के जाल होते हैं, जो फल की विविधता पर निर्भर करता है। सीताफल का गूदा रसदार और बहुत सुगंधित या कसैले स्वाद के साथ कठोर होता है। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र सीताफल उत्पादन में 92,320 टन के साथ बाकी राज्यों के सामने सबसे आगे है। इसके बाद दूसरे राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। सीताफल के पोषण तत्व। सीताफल एक संतुलित भोजन है। सीताफल विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है, फाइबर का अच्छा स्रोत है, विटामिन B6, मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक उपयोगी स्रोत है और कुछ मात्रा में विटामिन B2 और जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कुल्फी बनाने के उपकरण और मशीनें। अधिकांश कुल्फी मशीनें 42,000 रुपये से 2,25,000 रुपये तक प्रति पीस होती हैं। इन कुल्फी मशीनों की कीमत, क्षमता, मशीन बॉडी मटेरियल आदि पर निर्भर करती हैं। इस उपकरण के अलावा वॉशर मशीन, ड्रायर या ओवन, पल्पर मशीन, फ्रीज़र या चिलर और ब्लेंडर्स का उपयोग कुल्फी के प्रसंस्करण में किया जाता है। सीताफल कुल्फी बनाने की प्रक्रिया। सीताफल का चयन करते समय एक समान रंग के फल की तलाश करें जो दबाने पर थोड़ा सा नरम हो। फल की लकीरें भूरे रंग की हो सकती हैं, लेकिन फल काला, नम या गूदेदार नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया की शुरुआत में फलों को फ्रूट वॉशर में धोया जाता है। धोने की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फल की सतह से कीटनाशकों और धूल के निशान को हटाने में मदद करती है। इसके अलावा फलों को लगभग 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में सुखाया जाता है। फलों को ओवन में सुखाने से गर्मी का समान वितरण सुनिश्चित होता है। सूखने के बाद सीताफलों को सामान्य तापमान होने तक ठंडा होने दिया जाता है और फिर पल्पर में रखा जाता है। पल्प तैयार होने के बाद एक लोहे की बड़ी कढ़ाई में लगभग 4 से 5 लीटर दूध गर्म करना शुरू करें और इसमें 1/4 मात्रा में गाढ़ा दूध मिलाइए। इस मिश्रण को लगभग 15 से 20 मिनट तक उबलने दें। बीच बीच में इस मिश्रण को चलाते रहें। मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकने दें। उबलते दूध के मिश्रण में मकई के आटे का घोल डालें, अच्छी तरह मिलाएं और 5 से 7 मिनट के लिए गरम करें। गरम करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मिश्रण को चलाते रहें। मिश्रण को तुरंत ठंडा करने की कोशिश ना करें, जिसका अर्थ है शीतलन मशीन या रेफ्रिजरेटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब मिश्रण सामान्य तापमान पर पहुंच जाए तो सीताफल प्यूरी मिलाइए।
दूध की मात्रा का लगभग आधा हिस्सा। कुल्फी का स्वाद बढ़ाने के लिए स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री जैसे ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू, गुलाब की पंखुड़ियाँ, हरी इलायची का पाउडर आदि मिलाए जा सकते हैं। अब इस गाढ़े स्वादिष्ट तरल को मोल्ड, कप, फ्रीज़र फ्रेंडली कंटेनर या चर्म पत्र से ढके पाव पैन में डालें। चार से पाँच घंटे या रात भर के लिए फ्रीज़र में या चिलिंग मशीन में -15 से -20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करें। सीताफल कुल्फी की पैकिंग और संचय। कुल्फी के लिए पैकेजिंग की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। पारंपरिक कुल्फी को प्लास्टिक डिस्पोजेबल कंटेनर या एल्यूमिनियम मोल्ड में पैक किया जाता है। अब तक हमने सीताफल कुल्फी बनाने के आधुनिक प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएम एफएमई योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।